क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और आप कुछ कर नहीं पाए? ऐसा मेरे साथ बहुत होता है और आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा। हम लोग जनरली अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि कैसे अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो हम लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे, चलो आज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कल पक्का से कर लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि ये प्लान ही बने रह जाते हैं और लाइफ कल कल के गेम में ही निकल जाती है और धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। स्ट्रेस काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स या अपनी लाइफ को लेके, आज की दुनिया में हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट, चाहे वो पुअर हो या रिच, एवरीबडी इन टुडेस वर्ल्ड इज एक्चुअली स्ट्रेस्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की लाइफ में इसका असर कम है और किसी की लाइफ में ज्यादा। मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने दिमाग और अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। यस, दैट इज राइट। आज के जमाने में आपको एक घंटा न्यूज़पेपर लेके बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट न्यूज या हेडलाइंस सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वो आपको आपके स्मार्टफोन में गूगल होम पेज पे इजीली मिल जाती है। एंड देन यू कैन एक्चुअली चूज टू रीड व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू और व्हाट इज ऑफ योर इंटरेस्ट एंड अवॉइड व्हाट इज नॉट सो रेलेवेंट टू यू। न्यूज़पेपर्स में आपको मोस्टली क्राइम रिलेटेड न्यूज ज्यादा मिलेगी जिसे पढ़ के सुबह सुबह आपका मूड एकदम अपसेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे पे एक्सीडेंट, किसी घर में हुई लाखों की रॉबरी, कहीं पे मर्डर, यू नो, कुछ भी ऐसा न्यूज जिसे पढ़ने के बाद योर स्टेट ऑफ माइंड विल बी फियरफुल। या फिर आपको पेड एंड करप्ट न्यूज मिलेगी अबाउट पॉलिटिक्स। और बहुत सी जनता जो न्यूज़पेपर खोलती है वो मैगजीन के लिए, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स आती हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है, विच इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट टू अस एंड आवर पर्सनल लाइफ। सो व्हाई डू वांट टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग विच इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट टू यू एंड योर लाइफ? इंस्टेड व्हाई डोंट यू स्पेंड दैट टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ? जस्ट टेक आउट सम टाइम ईच डे, मे बी जस्ट हाफ एन आवर, एंड यूटिलाइज दैट टाइम टू थिंक अबाउट योर लाइफ एंड योर लाइफ प्लान्स। सो बेसिकली दुनिया की खबरें लेने से पहले जरूरी है कि अपनी लाइफ की खबर लें और ये देखें कि अपनी लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये मैं सबको बोलती हूँ और बार बार बोलती हूँ दैट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द इडियट बॉक्स। सी, अगर आपको मूवीज देखने का शौक है तो आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी पसंद की मूवीज देख सकते हो, वो भी बिना एड्स के। और अगर आपको न्यूज देखने का शौक है, सो अगेन एज आई सेड अर्लियर, आप अपने स्मार्टफोन पे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस देख सकते हो। सो व्हाई डू हैव टू वॉच रिपीटेड न्यूज फॉर आवर्स? और स्पेशली वो लोग जो टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, ट्रस्ट मी, इससे बुरा तो आप अपनी लाइफ के साथ में शायद और कुछ नहीं कर सकते हो। सीरियल्स आपको इमोशनली इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आप अपने आप को उनके कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करने लगते हो और उनका स्ट्रेस, उनका टेंशन आप अपने दिमाग पे लेने लगते हो। गाइस, थिंक अबाउट इट, क्या हमारी अपनी लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन की कमी है जो हमें उन अनरियल कैरेक्टर्स का स्ट्रेस अपनी लाइफ में ऐड करना पड़े? मतलब डू यू इवन रियलाइज व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ व्हेन यू वॉचिंग अ फेवरेट कैरेक्टर डाई इन अ टीवी सीरियल एंड यू एंड अप क्राइंग फॉर इट? You don't even realize the amount of stress that it is adding to your health and the negative impact it's going to have on your health. अगर आपको स्क्रीन टाइम पसंद है या आपको टाइम पास के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो ना, आप यूट्यूब वीडियोस देखो विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, विच कैन रियली एड वैल्यू टू योर लाइफ। शायद आपको ये उतना इम्पोर्टेंट ना लगे या मे बी थोड़ा मुश्किल लगे, बट एनर्जाइजिंग आवर बॉडी एंड माइंड इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रोज अपने आप के लिए आधा घंटा जरूर निकाल पाएं और जरूर निकालें, और इस आधे घंटे में आप चाहे तो कुछ भी करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एंड इफ नथिंग इज पॉसिबल जस्ट सिंपली गो फॉर अ वॉक फॉर 30 मिनट्स। If you do this each day, you will soon realize कि आपका mental focus, आपका stamina, आपका level of energy पहले से बहुत बढ़ गया है। So this will basically bring a balance into your life, which will keep you stress free. तो आप अपने आज पे ज्यादा focus कर पाएंगे rather than worrying about tomorrow. Trust me, sofa पे बैठ के social media पे time waste करने से much better रहेगा ये आपके mental और physical health दोनों के लिए। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड और खुश रखना चाहते हैं तो रोज एटलीस्ट 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और शुक्रिया अदा करें उस हायर सेल्फ का जिसमें भी आप बिलीव करते हो। बी थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स एंड पीपल दैट यू आर ब्लेस्ड विद इन योर लाइफ। और इसके अलावा आपके साथ रहने वाले लोग जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं,
उन्हें जरूर बताइए कि ऐसा क्या है उनके बारे में जो आपको बहुत पसंद है। अप्रिशिएट देम एंड थैंक देम व्हेन वी गेट अ चांस, बिकॉज ऐसा करने से उन्हें बहुत खुशी मिलेगी एंड आई एम श्योर उन्हें खुशी मिलेगी तो इन रिटर्न आपको भी खुशी मिलेगी। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू फॉलो टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। जो टाइम आप लोग टीवी पे अनरियल फैमिलीज को देखने में स्पेंड करते हो, व्हाई डोंट यू स्पेंड दैट टाइम विद योर ओन फैमिली। आपको याद है आज से करीब 20 साल पहले या 25 साल पहले जब पूरा पूरा दिन के लिए लाइट नहीं रहती थी तो हम सब घर वाले साथ बैठ के ढेर सारी बातें किया करते थे, वैल्यूबल टाइम स्पेंड किया करते थे साथ में। वी रियली नीड दैट टाइम बैक इन आवर लाइफ, बट उसके लिए हमें आई एम श्योर 20 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज टू स्विच ऑफ दैट इडियट बॉक्स एंड सिट टुगेदर एंड हैव अ गुड टाइम विद फैमिली। ढेर सारी बातें करें, साथ बैठे गपशप करें, लेकिन साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि हम लोग सब अपने स्मार्टफोन्स लेके एक अकेले के लिए बिजी हो जाए। वी रियली नीड टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक हमें रोज दिन में थोड़ा टाइम ऐसा निकालना चाहिए वेयर इन वी कैन डू समथिंग विच वी रियली लाइक डूइंग। इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी अवर पैशन, इट कैन बी समथिंग विच रियली एक्साइट्स अस। दिस इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल ग्रोथ एंड अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। सो फाइंड आउट दैट वन थिंग विच यू ऑलवेज वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ एंड दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। So friends, please try and implement these small changes to your daily routine. I am also trying and trust me, I find it really good and helpful. So aap log bhi zarur try kare aur apna experience mere saath zarur share kare comments ke zariye ya messages ke zariye. So till then, stay safe and stay happy. I'll see you soon.